जिले में तीन आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अभी हमारी सरकार बनी है, मात्र 15 दिन हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होगी जो हमने घोषणा पत्र में जो हमारे मुद्दे थे उनको हम लोग लागू करने का काम करेंगे। जो हमारी प्राथमिकता है, किसानों के जुड़े हुए मुद्दे हैं, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारे जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को लागू करने का काम हमारी पहली प्राथमिकता होगी, उसको हम लागू करेंगे। भरतपुर जिले को NCR में लाया गया, उसके बाद ढेला तक नहीं मिला, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये सत्य बात है, हम लोगों की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तब लोग हमें NCR में हम लोगों को भरतपुर जिले में मिला। और मैं पहले भी कहता हूँ कि हम लोगों की जो रजिस्ट्रियां होती हैं वो NCR रेट के हिसाब से होती हैं और सुविधाएं जो मिलती हैं वो ग्रामीण इलाके के हिसाब से मिलती हैं। हम अपनी मांग पत्र रखेंगे, राज्य सरकार भरतपुर के लिए चिंतित है और हम लोग केंद्र सरकार से NCR की सुविधाएं मांगेंगे। और जो राज्य सरकार भरतपुर के लिए कई योजना बनाने जा रही है और निश्चित तौर पर भरतपुर को कई सौगातें मिलेंगी। आवारा पशु, आवारा जो गोवर घूमता है, इसके विषय में क्या करना है? और आवारा पशु हैं, उनके लिए हम शीघ्र ही कानून बनाएंगे और निश्चित तौर पर इन आवारा पशुओं को हम लोग रोकने का काम, जिससे किसान परेशान है उसको हम रोकने का काम लोग हम लोग। मेवात को जगह नहीं दी गई कैबिनेट में ना राज्य मंत्री में, तो इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं आप? देखो ऐसा है, सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद अभी तो मंत्रिमंडल का और विस्तार होगा और उस विस्तार होने के बाद कहीं ना कहीं जो भी चीज होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब मिलकर इस चीज को सोचेंगे, समझेंगे और सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे।